पिज्जा के शौकीनों के लिए खुशखबरी है, जल्द आपको अपनी पसंदीदा पिज्जा खाने के लिए डोमिनोज, पिज्जा हट जैसे ब्रांड्स के अलावा एक और ऑप्शन मिलने वाला है। भारत में बढ़ते डिमांड को देखते हुए यूएस की एक फेमस पिज्जा चेन भारत में कमबैक कर रही है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पिज्जा डिलीवरी कंपनी है। जानेंगे कौन सी है ये पॉपुलर कंपनी और क्या है इसका प्लान इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल पॉपुलर यूएस बेस्ड पिज्जा चेन पापा जॉन्स एक बार फिर इंडिया में वापसी करने जा रही है। कंपनी ने यहां अपने आउटलेट्स खोलने के लिए तैयारी भी पूरी कर ली है। ये पहली बार नहीं है जब आप इंडिया में पापा जॉन्स के आउटलेट्स को देखेंगे। पापा जॉन्स ने पहले भी भारत में प्रवेश किया था, लेकिन 2017 में अमेरिकी कंपनी ने भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। अब पिज्जा के मार्केट का विस्तार होने के चलते कंपनी ने दोबारा भारतीय बाजारों का रुख किया है। कंपनी ने इंडिया में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए दुबई बेस्ड PJP इन्वेस्टमेंट्स के साथ पार्टनरशिप की है और एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 साल का खाका तैयार करने के बाद पहला आउटलेट खोलने की तैयारी कर ली है। पापा जॉन्स का 2023 तक भारत में 650 आउटलेट्स ओपन करने का प्लान है। वहीं एंट्री प्लान के तहत कंपनी की सबसे पहली नजर साउथ सिटीज में स्टोर खोलने पर टिकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पापा जॉन्स का पहला आउटलेट साल 2024 में बेंगलुरु में खोला जाएगा। बेंगलुरु से स्टार्ट करते हुए दक्षिण भारत के दूसरे शहरों में अपने आउटलेट्स खोलने के बाद कंपनी इसका विस्तार देश के दूसरे शहरों में भी करेगी। पापा जॉन्स भारत को अपने आकार और मध्यवर्ग की बढ़ती आकांक्षाओं और इनकम के कारण एक महत्वपूर्ण बाजार मानती है। पापा जॉन्स की चीफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफिसर अमांडा क्लार्क भारतीय बाजार में दोबारा एंट्री को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने बताया कि पिज्जा चेन ने पहली बार 2005 में PJP के साथ पार्टनरशिप की थी जब कंपनी UAE में विस्तार कर रही थी। PJP के CEO तपन वैद्य ने बताया कि वे UAE, सऊदी अरब और जॉर्डन में 100 से ज्यादा पापा जॉन्स के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करते हैं। इसके साथ ही वे साल 2024 तक इराक में भी आउटलेट खोलने की तैयारी में है। तपन वैद्य ने कहा कि साउथ एशिया में पापा जॉन्स का एक्सपेंशन पॉपुलर पिज्जा चेन के लिए बड़ी संख्या में नए कस्टमर जोड़ेगा। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म अगले 10 सालों में लगभग 1000 पापा जॉन्स के रेस्टोरेंट्स ऑपरेट करने का टारगेट लेकर चल रही है। वहीं कंपनी के दूसरे पार्टनर फाउंटेन वेस्ट पार्टनर्स ने 2040 तक चीन में 1750 से ज्यादा नए पापा जॉन्स रेस्टोरेंट ओपन करने का प्लान बनाया है। बता दें इस पिज्जा चेन की जॉन्स नैटर ने 38 साल पहले 1984 में स्थापना की थी। कंपनी के मुताबिक उसके पिज्जा में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 2022 के दिसंबर महीने के डेटा पर नजर डालें तो पापा जॉन्स के 50 देशों में 5700 रेस्टोरेंट्स हैं। इसके साथ ही यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पिज्जा डिलीवरी कंपनी है। ऐसे में भारतीय बाजार में पापा जॉन्स के उतरने के बाद पिज्जा मार्केट में प्राइस वॉर देखने को मिल सकता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।